अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल में जाने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आपका एक YouTube चैनल है तो उस YouTube चैनल में जाने का, लॉगिन करने का और YouTube चैनल को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ये जी, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। ये हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और अब हम गूगल और अब आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लें। ये गूगल क्रोम ओपन हो गया है और इसमें आपने यहाँ पे आपने लिखना है यूट्यूब लॉगिन। यूट्यूब लॉगिन पे लिखें, ये पहला जो लिंक आ रहा है अकाउंट डैश यूट्यूब, इस पे क्लिक करें। अब ये वाला पेज आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने इधर ऊपर जाइए, बुक मार्क का बटन एक ऊपर आ रहा है, बुक मार्क की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक करें। ऐड बुक मार्क पे जाएं, इस पे ऐड बुक मार्क पे क्लिक कर दें और यहाँ पे जो ये लिखा आ रहा है नेम और इधर फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, बुक मार्क्स बार सेलेक्ट कर लें या जो भी आपने सेलेक्ट करना है। बुक मार्क्स बार जो है ना, ये वो होता है बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर होता है, तो मैंने बुक मार्क्स बार सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप ऊपर जो है ना, वो नाम बेशक वही रहने दें लेकिन मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ यूट्यूब लॉगिन। ये मैंने यूट्यूब लॉगिन लिख लिया, इसको फिर डन कर देना। ये डन कर दिया। अब आपने क्या करना है कि ये गूगल क्रोम को क्लोज करें, दोबारा ओपन करें और यहाँ पे आप लिख दें यूट्यूब लॉगिन। तो यूट्यूब लॉगिन आप जब लिखेंगे तो आप ये देखें नीचे यहाँ पे ये सेकंड लास्ट नंबर पे आ गया यूट्यूब लॉगिन, जो मैंने जो बुक मार्क किया था वो लॉगिन वाला पेज, और उसका यहाँ पे जो नाम मैंने सेलेक्ट जो वहाँ पे लिखा था यूट्यूब लॉगिन, ये नाम वो नाम यहाँ पे आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लें, इस पर क्लिक कर लें। अब ये वाला पेज आ गया। अब यहाँ पे आपने अपनी जो YouTube चैनल की जो जीमेल आईडी है, और यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है साइन इन टू कंटिन्यू टू YouTube, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिखें अपना जो भी आपका YouTube चैनल का जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। जीमेल आईडी लिख दी, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपने पूरी आईडी नहीं लिखनी, यानी कि जो भी आपकी आईडी है ना, इस 123@gmail.com, तो @gmail.com वो नहीं आपने यहाँ पे लिखना, सिर्फ आपने अपनी आईडी लिखनी है। तो ये मैंने अपनी आईडी लिख दी, ये पासवर्ड आ गया, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है और यहाँ पे शो पासवर्ड का बटन है, वो भी आप शो करना चाहें तो चेक कन्फर्म कर सकते हैं एक दफ़ा शो करके, फिर नेक्स्ट करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2-स्टेप वेरीफिकेशन कोड लगाया हुआ है, तो इससे आगे जाने का तरीका ये है कि यहाँ पे लिखा है गेट अ वेरीफिकेशन कोड, इस पर क्लिक करें। जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा वो मोबाइल, उस मोबाइल नंबर का के ऊपर एक कोड आ जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है, तो फिर ये यूट्यूब का जो अकाउंट है ये ऑन लॉग इन हो जाएगा। तो ये जी मेरे मोबाइल पे कोड आ गया, ये कोड मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कोड लिख दिया, इसको नेक्स्ट किया। तो ये जी, अब हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर जो ये एक तस्वीर बनी हुई है, ये जो तस्वीर बनी होती थी, इस तस्वीर पे क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएं YouTube स्टूडियो के अंदर आ जाएं। YouTube के अंदर जब भी कोई वीडियो अपलोड करनी होती है, किसी ने भी कोई वीडियो अपलोड करनी हो तो YouTube स्टूडियो से वो वीडियो अपलोड होती है। और ये हमारा YouTube का डैशबोर्ड, ये YouTube स्टूडियो का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है कि चैनल डैशबोर्ड और सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ से आपने आ जाना है कंटेंट में, कंटेंट में आ जाएं। ये कंटेंट का चैनल कंटेंट, ये कंटेंट का पेज ओपन हो गया जहाँ पे हम सारी वीडियोस हमारी अपलोड होती हैं। उसके बाद आप आ जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ये बुक मार्क, यहाँ पे बुक मार्क वाले ऑप्शन में आ जाएं, इसको बुक मार्क पे क्लिक करें। ये पेज ये आ गया एक। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि बुक मार्क का जो नाम है, आप बुक मार्क को क्या नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जी चैनल वीडियोस शानी भाई, मेरे जो चैनल का नाम है, तो मैंने ये लिख दिया चैनल वीडियो शानी भाई। उसके बाद मैं इसको डन करता हूँ, ये मैंने डन कर दिया, इसको पेज को मैं क्लोज करता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद फिर मैंने क्या करना है कि फिर वापस गूगल क्रोम को ओपन करें और यहाँ पे आपने लिखना है, अब आपका YouTube चैनल जो है ना वो लॉग इन है YouTube का। उसके बाद यहाँ पे लिखना है मेरे जो बुक मार्क था इसका YouTube चैनल का, वो मैंने रखा था चैनल वीडियो शानी भाई, तो यहाँ पे आपने
चैनल वीडियोस लिख लें या शानी भाई, दोनों में से कुछ कोई एक लिख लें। तो यहाँ पे मैंने शानी भाई लिखा, तो ये एंड पे देखें आप आ रहा है चैनल वीडियो शानी भाई, इस पर क्लिक कर दें। और इस पर क्लिक होने के बाद ये देखें, ये डायरेक्ट ये कंटेंट वाला पेज हमारा ओपन हो गया। और इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं भी ये वेब डेवलपमेंट करता रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए, इससे यूज़र इरिटेट होता है। लेकिन गूगल वालों ने इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, मैंने कंप्लेन भी की थी। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे ऊपर जो इसके यूट्यूब की सेटिंग में आ जाएं, ऊपर जो ये तीन डॉट बने हुए हैं वर्टिकल तीन डॉट बने हुए हैं, इस पर क्लिक करें, जूम जो का पेज जो पेज है इसको 90% कर दें। ये देखें 90% हो गया, तो ये इसका एडजस्ट हो गया, अब ठीक लग रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा YouTube का जो जो अकाउंट है वो हर वक्त लॉगिन रहता है, लेकिन मैं इसके अपने लैपटॉप पे पासवर्ड लगा के रखता हूँ। तो आप अगर YouTube के अकाउंट में आसानी से लॉगिन होना चाहते हैं तो इसी तरह कर लें, लेकिन अपने लैपटॉप पे लाजमी पासवर्ड लगा के रखा करें। और पहले मैं इस तरह करता था कि मैं जब नया नया मेरा YouTube का चैनल था, तो मैं हर रोज़ उसी तरह लॉगिन करता था, और वो बड़ा मुझे लंबा मुश्किल काम लगता था कि उसमें पहले YouTube के लॉगिन पेज पर जाओ, फिर वहाँ पे आईडी पासवर्ड लिखो, फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाओ, फिर यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाओ, तो वो बड़ा लंबा काम लगता है। तो आसान काम इस तरह कर लें, आपके जो मैंने आपको तरीका बताया बुक मार्क के जरिए, तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये काफ़ी आसान तरीका है, इस तरह आप कर लिया करें, लेकिन अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा के रखा करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये वीडियो बस इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।